निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध पर्व गणगौर की धूमधाम से शुरुआत हो गई है। खरगोन में आज से निमाड़ अंचल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध 3 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत हो गई है। आज सुबह माता की बाड़ियां के खुलते ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ज्वारे रूपी गणगौर माता की पूजा अर्चना की। अब 3 दिन तक खरगोन सहित निमाड़ अंचल और राजस्थान में गणगौर उत्सव की धूम रहेगी। श्रद्धालु गणगौर रथों में ज्वारे घर ले जाकर आस्था और श्रद्धा के साथ गौरी माँ की आराधना और उपासना करेंगे। चैत्र नवरात्रि की तीज पर माता की बाड़ियां के खुलते आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महापर्व गणगौर की शुरुआत हो जाती है। अपने सबसे बड़े पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही आस्था भक्ति देखी जाती है। गणगौर पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर महिलाएं श्रृंगार करके सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ज्वारे रूपी माता की बाड़ी की पूजा अर्चना कर सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना कर पूजन करती हैं। वहीं युवतियां सुयोग्य वर मिलने की कामना कर माता का व्रत रखकर पूजती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा नए वस्त्र पहनकर बड़े ही भावभक्ति के साथ बाड़ियों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मनोकामनाएं करते हैं। महिलाएं बाड़ी में माता रूपी ज्वारों को अपने अपने रथ में विराजित कर बेटी के रूप में माँ गौरी को घर लाया जाता है। घर पर ईश्वर, राजा और रनु बाई के रथ को शिव पार्वती के रूप में उनका पूजन कर चावल और भात का नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। माता से अपने परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं भी की जाती हैं। ये गणगौर का निमाड़ का सबसे बड़ा त्यौहार है, किस प्रकार की आस्था रहती है, आप पूजन करने पहुंचे क्या कहना चाहेंगे? बहुत आस्था रहती है। जिस तरह से हम लोग मायका जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उसी तरह से माता जी भी हमारे अपने मायके में आती है और उसी तरह सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। बहुत अच्छे से गणगौर माता का पर्व मनता है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार नया साल भी रहता है, चैत्र का महीना रहता है। माता को बहुत उत्साह से अपने मायके में लाते, उनका भोग लगाते, उनको अच्छे से पूछते हैं। यही मनोकामना करते हैं हम। मनोकामनाएं तो बहुत सी रहती है, पर फिलहाल तो यही रहता है कि माता अपने घर आए, सबको सुख संपत्ति का अच्छे से आशीर्वाद दे के जाए, अखंड सौभाग्य का, लंबी आयु और सभी चीज अखंड सौभाग्य रहे, सदा स्वागत, बच्चे वगैरह सब अच्छे रहे। हाँ, जो माता ले जाते हैं उन लोगों के यहाँ पैरावनी वगैरह होती है, कपड़े लाते हैं, माता का भोग बनता है, जोड़े जीनते हैं, सभी तरह से। मतलब लड़कियाँ क्या प्रार्थना करती हैं माता जी? अपने वर के लिए प्रार्थना करती हैं, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा वर मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता जायसवाल। किस प्रकार की परंपरा और आस्था रहती है, जैसे आज माता की बाड़ी खुली है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, क्या कहना चाहेंगे? गणगौर पर्व निमाड़ का महापर्व है और सारे निमाड़ और राजस्थान और मालवा प्रांत में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये माता गौरी में विशेष आस्था होती है। चैत्र माह की तृतीया के दिन ये माता की बाड़ी खुलती है और फिर ये घर घर स्थापना होती है माता की। इसके पश्चात अगले दिन माता की पूजा अर्चना और नृत्य, गरबा और माता के गीत गाए जाते हैं और अगले दिन जो है इसका विसर्जन होता है। अगर कोई लोग कोई परिवार उसको मन्नत अगर होती है तो उसको रथ को बोलाते भी हैं और वापस अपने घर पे लाके और समाज में अपने अपने समुदाय में उसका भंडारा होता है, उसकी सामूहिक पंक्ति होती है और भोजन होता है और फिर अगले दिन उसका विसर्जन होता है। कितनी आस्था भक्ति श्रद्धा रहती है? ये इसका अनुमान हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि सारी बसें आज तारीख में सब खाली मिलेगी आपको और मार्केट में भी लगभग आपको सुनसान मिलेगा। सारे लोग अपने आस्था के केंद्र माता की बाड़ी में और अपने घरों में और अपने परिवारों के बीच में रहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं कन्हैया कोठाने।